आज हम लोग इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्निक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कई प्रतिपिंडों का महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो प्रतिजन से क्रिया करके प्रतिजन प्रतिपिंड मॉलिकुलर एग्रीगेट्स बनाती है, जो कि बहुत बड़े होते हैं और वो विलयन में नहीं रह पाते और अवक्षेपित हो जाते हैं। तो उस अवक्षेप के द्वारा हम प्रतिजन प्रतिपिंड क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। एंटीबॉडीज या तो डाइवेलेंट होती है जैसे कि IgG, या मल्टीवेलेंट होती है जैसे कि IgM। और यदि एंटीजन प्रतिजन भी मल्टीवेलेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनेगा इनके क्रिया करने के बाद वो बहुत बड़ा होगा और वो अवक्षेपित हो जाएगा क्योंकि वो विलयन में घुलनशील नहीं रहेगा। तो इस अविलय अवक्षेप जो एंटीजन एंटीबॉडी का बनता है वो निर्भर करता है कि एंटीजन की कितनी सांद्रता है और एंटीबॉडी की कितनी सांद्रता है। जब दोनों की सांद्रता इक्विवेलेंट हो तो जोन ऑफ इक्विवेलेंस पे एंटीजन एंटीबॉडी अवक्षेपण होता है। यदि ऐसा नहीं है, उन दोनों की सांद्रता इक्विवेलेंट नहीं है, तो या तो एंटीजन अधिक होगा या एंटीबॉडी अधिक होगी। तो उन स्थितियों में छोटे विलय यौगिक बनते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के, जो कि विलयन में ही उपस्थित रहते हैं, उनका अवक्षेपण नहीं हो पाता है। अवक्षेपण उन परिस्थितियों में भी नहीं होता है यदि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग किया जाए, जो कि केवल एक एपिटोप को पहचाने प्रतिजन पे, क्योंकि उसमें भी लैटिस संरचना नहीं बनती है। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का हम उपयोग करते हैं अगार तकनीक के द्वारा भी और विलयनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इम्यूनो डिफ्यूजन, जो कि जेल्स में होता है। जेल्स हम प्रायः अगार या एग्रोज की बनाते हैं और उसमें प्रेसिपिटेशन जो अवक्षेपण होता है उससे जो लाइंस मिलती हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगार एक अधिक अणु भार का पॉलीसैक्राइड है जो कि एक सीवीड से प्राप्त होता है, और एग्रोज एक रेखीय गैलेक्टन हाइड्रोकोलोइड है जो कि अगार से ही प्राप्त किया जाता है। इन दोनों के जलीय विलयन तब बनते हैं जब इनको गर्म किया जाता है, और जब इन विलयनों को ठंडा किया जाता है तो ये ऐसी जेल्स बनाते हैं जिसकी पोर साइज बहुत बड़ी होती है, जिसके उन पोर्स के द्वारा जो प्रोटीन्स हैं वो सरलता से विस्तृत हो सकती हैं और एंटीबॉडीज़ भी इस जेल की पोर से विस्तृत हो सकती हैं। तो जब एंटीबॉडी ऐसी जेल से में गमन करती है या माइग्रेट करती है और उस एंटीजन के संपर्क में आती है तो दोनों जन क्रिया करते हैं और जोन ऑफ इक्विवेलेंस पर हमें प्रेसिपिटिन लाइंस प्राप्त होती है जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो यदि बहुत निर्बल प्रेसिपिटिन लाइंस प्राप्त होती हैं तो वो हमें नहीं दिखती हैं, तो उनको देखने के लिए हम कुमासी ब्रिलियंट ब्लू का उपयोग, ये एक रंजक है, इसके द्वारा हम प्रोटीन को रंजित करके उन प्रेसिपिटिन लाइंस को देख सकते हैं। प्रोटीन जो एंटीजेंस हैं जो कि अविलय हैं जल में, उनको हम जैसे कि साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स या फिर मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं तो उनको हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट में विलय कर सकते हैं, घोल सकते हैं विश्लेषण के लिए, और उन्हें ऐसी जेल में पृथक करते हैं या डिफ्यूज करते हैं जिसमें पहले से डिटर्जेंट उपस्थित हो, और ये डिटर्जेंट जो है प्रेसिपिटेशन लाइन से इंटरफेयर नहीं करता है। प्रेसिपिटेशन टेक्निक जो अगार में करते हैं वो उसमें जो जेल बनाते हैं वो 2 से 3 मिलीमीटर थिक होती है और ग्लास स्लाइड पे बनी होती है। इसके लिए हम अगार का जलीय विलयन गर्म जली विलयन लेते हैं और उसे ग्लास प्लेट पर डालते हैं और ठंडा होने देते हैं। जब जेल बन जाती है तो उसमें हम वेल्स कट करते हैं और उन वेल्स में हम एंटीजन या एंटीबॉडी या दोनों डालते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक का हम उपयोग कर रहे हैं। फिर ये विस्तृत होती हैं एंटीजन और एंटीबॉडी और जोन ऑफ इक्विवेलेंस पर प्रेसिपिटेशन लाइंस बनाती हैं। पहला जो तकनीक है वो सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन है, SRID। SRID में हम एंटीजन को जेल में वेल के अंदर लोड करते हैं, जबकि जो जेल बनी है उसमें पहले से एंटीबॉडी उपस्थित होती है। तो ये एंटीजन जब विस्तृत करती है तो जोन ऑफ इक्विवेलेंस पे, जहाँ पे एंटीबॉडी की सांद्रता एंटीजन की सांद्रता इक्विवेलेंट हो, तो वहाँ प्रेसिपिटेशन लाइन या रिंग बनती है। इस प्रेसिपिटेशन रिंग का डायमीटर मेजर करके हम उस एंटीजन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए 2 विधियों का उपयोग करते हैं, एक है स्क्वायर ऑफ रिंग डायमीटर,
जो कि एंटीजन की सांद्रता के समानुपाती होता है, मैंसनी विधि, या फिर डायमीटर ऑफ रिंग जो कि समानुपाती होती है लॉग ऑफ एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन के, ये फाये एंड मैककेल्वी मेथड है। तो इसमें हम टेक्निक में क्या क्या करते हैं, एंटीबॉडी की ज्ञात मात्रा, विशिष्ट एंटीबॉडी की ज्ञात मात्रा जेल की जेल बनाते हैं और उसमें अपना अज्ञात सैंपल लोड करते हैं एंटीजन का, साथ में कैलिब्रेटर सैंपल मानक एंटीजेंस भी लोड करते हैं जिनकी सांद्रता हमें ज्ञात है। फिर उनको विसरित होने देते हैं, जब उनकी प्रेसिपिटिन रिंग्स बन जाती हैं तो उनका डायमीटर नोट करके उसको स्क्वेयर करते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं, डायमीटर स्क्वेयर जो एंटीजन का है, रिंग डायमीटर और एंटीजन की सांद्रता एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ प्राप्त होता है, तो अज्ञात विलयन का जो डायमीटर रिंग का है उसको भी स्क्वायर करके वहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं और फिर नीचे जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो जहाँ पे वो कट करता है तो उससे हमें एंटीजन की सांद्रता प्राप्त हो जाती है जो अज्ञात विलयन में उपस्थित होती है। इस विधि द्वारा हम अज्ञात नमूने में एंटीजन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि है डबल डिफ्यूजन मेथड, जिसे ऑक्टलोनी मेथड भी कहते हैं। ऑक्टलोनी मेथड में मिसेलर स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि जेल्स के अंदर बनते हैं जब अगार जेल को सेट करते हैं, तो इस मिसेलर चैनल्स में केवल उस जिन प्रोटीन्स का या जिन मॉलिक्यूल्स का 200,000 मॉलिक्यूलर वेट है डाल्टन्स, वही सरलता से विस्तृत कर सकते हैं, अन्यथा इससे बड़े मॉलिक्यूल्स विस्तृत नहीं कर पाते हैं, उनका रिटार्डेशन होता है और बहुत अधिक बड़े होते हैं तो वो उसी जगह रुक जाते हैं। तो इस टेक्निक में अलग पृथक वेल्स कट करते हैं अगार में जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी से भरे जाते हैं और दोनों को विस्तृत किया जाता है। जब जोन ऑफ इक्विवेलेंस पे दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर एक प्रेसिपिटिन आर्क बनती है और इस प्रेसिपिटिन लाइन से हम एंटीजन के बारे में सूचना ज्ञात कर लेते हैं, दो एंटीजेंस की तुलना भी कर सकते हैं और ये प्रेसिपिटिन लाइंस विजिबल होती हैं। ये डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ एंटीबॉडी और एंटीजन अलग वेल्स में फिल की गई है और दोनों विस्तृत हो रही हैं, इसलिए डबल डिफ्यूजन है। इस तरह के प्रेसिपिटिन लाइंस प्राप्त होती हैं। अगर दोनों एंटीजन समान है तो इस प्रकार का आर्क मिलेगी, इसका मतलब है दोनों एंटीजन समान है, सिमिलर आइडेंटिटी है। अगर दोनों एंटीजन भिन्न है तो दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेंगी, एंटीजन वन एंटीजन टू से भिन्न है, और अगर एक एंटीजन और दूसरे एंटीजन में कुछ समानताएं हैं तो इस प्रकार का लाइंस मिलती है जिसे हम स्पर फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें ये पार्शियल फ्यूजन है या स्पर फॉर्मेशन है, जिसका मतलब है कि पार्शियल आइडेंटिटी है। एंटीजन टू में कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि एंटीजन वन से समान नहीं है, पर जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो एंटीबॉडी द्वारा पहचाने जाते हैं और एंटीजन वन पर भी उपस्थित हैं, इसलिए इस प्रकार का स्पर फॉर्मेशन होता है।